Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports' flagship football show kickoff. Khushamdeed. Thank you very much for being with us this evening. It's always a pleasure being in front of you and discussing football, especially jab itna happening weekend raha football ka. Tamam leagues mein humne top action hume dekhne ko mila with amazing storylines as well. Is weekend ka jab bada match hona tha, wo hona tha between Liverpool and Manchester City. Wo kal khela gaya at Anfield aur baat yahi ho rahi thi ki kya मैन सिटी अपने आप को कम बैक कर पाएगा या नहीं, या इस दफ़ा अगर वो हारते हैं तो उनके एंड लीडर्स के दरमियान 11 पॉइंट का गैप खुल जाएगा. एंड जो 6 टाइटल्स मैन सिटी ने इन द रीसेंट पास जीते हैं, दे हैव नेवर कम बैक फ्रॉम अ डेफिसिट ऑफ मोर देन 8 पॉइंट्स. एंड एग्जैक्टली यही हुआ. मैन सिटी लॉस्ट दिस मैच एट एनफील्ड विद द स्कोर लाइन ऑफ 2-0. और अब 11 पॉइंट्स का फ़र्क है बिटवीन देम एंड लिवरपूल. किस तरह से ये टीम वापस करेगी, हमने देखा कि पेप गार्डियोला लिवरपूल के फैंस को और अपने फैंस को बार बार जो है वो 6 फिंगर्स दिखाते रहे कि भाई हमने 6 दफ़ा ही टाइटल जीता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. बट सम वरिंग टाइम्स डेफिनेटली एट द इतिहाद स्टेडियम एंड फॉर पेप गार्डियोला एज वेल. बट अमेजिंग फॉर आर्ने स्लॉट एंड लिवरपूल. अब वो जो है 18 मैचेस जीत चुके हैं 20 में से. क्या ज़बरदस्त स्टार्ट लिया, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल उनकी लार्जर देन लाइफ कोई स्टेटमेंट नहीं आती, कोई उनकी पर्सनालिटी नहीं है. चुपचाप अपना वो काम करे जा रहे हैं. और अब तो ये बात कही जा रही है कि नॉट जस्ट द प्रीमियर लीग बट देर ऑल्सो लुक लाइक प्रीटी सीरियस कंटेंडर्स फॉर द यूरोपियन चैंपियन विच इज़ द चैंपियंस लीग एज वेल. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, वहाँ पे भी फील गुड फैक्टर आ गया है. एमोरम के अब 3 मैचेस हो चुके हैं जिसमें से 2 वो जीते हैं, 1 उन्होंने मैच ड्रॉ किया है. एंड उसके अलावा हमने देखी जो लंडन डर्बी थी बिटवीन नॉर्थ ईस्ट डर्बी, ये मेरी फेवरेट लंडन डर्बी है बाय द वे, वेस्ट हैम वर्सेस आर्सेनल. और इस दफ़ा आर्सेनल ने जो है बिल्कुल धो दिया वेस्ट हैम को उनके स्टेडियम पर जाके. लेकिन वो पहले हाफ के अंदर ही तकरीबन 7.5 गोल्स आ गए, केओटिक फर्स्ट हाफ. एंड उसके बाद थिंग्स नॉर्मलाइज बट इट वॉज टू लेट फॉर एनी थिंग फॉर सैलवेज फॉर वेस्ट हैम टू सैलवेज. अब देखना है कब तक जूलियन लोपेटेगी अभी भी रहेंगे वेस्ट हैम में या नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक मैनेजर्स को जो है सैक किया जा रहा है. अगर हम चलते हैं ओवर टू ला लीगा, वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त रेस अब हो चुकी है क्योंकि बार्सिलोना वंस अगेन ड्रॉप्ड पॉइंट्स. एक मैच वो जीते हैं, एक वो हार रहे हैं, कंसिस्टेंसी थोड़ा सा वो लूज़ कर रहे हैं. और रियाल मैड्रिड ने बाउंस बैक किया फ्रॉम देयर लॉस टू लिवरपूल एंड दे वेंट ऑन टू विन द मैच वर्सेस गेटाफे. तो वहाँ पर अब सिर्फ एक पॉइंट का फर्क रह गया है विद रियाल मैड्रिड हैविंग अ गेम इन हैंड. एंड थोड़ा सा फिर से मैं जाना चाहूँगा लिवरपूल की तरफ. बहुत बड़ी बात है, इन अ पीरियड ऑफ लेस देन 5 डेज उन्होंने रियाल मैड्रिड और मैन सिटी को शिकस्त दिया. ये बहुत बड़ी बात है. चलते हैं ओवर टू इटली एंड वहाँ पर नेपोली जो है टॉप पर है, उन्होंने अपना मैच जीता ओवर द वीकेंड. एंड जर्मनी में दर क्लासिकर खेला गया बिटवीन डॉर्टमुंड एंड बायर्न म्यूनिख और ये मैच जो है 1-1 गोल से बराबर रहा. और अब से कुछ देर बाद रोनन मर्फी जो ट्रांसफर फुटबॉल वर्ल्ड के चीफ एडिटर हैं एंड सोनी नेटवर्क के स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, वो मौजूद थे इस मैच के लिए. वो हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे और अपना तजिया पेश करेंगे रिगार्डिंग दिस मैच एंड ओवरऑल ऑल द टॉप हेडलाइंस इन यूरोप. वेरी क्विकली, बार्सिलोना एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनके फैंस ने जो है प्रोटेस्ट किया अपने टीम्स के अगेंस्ट बिफोर द मैच आउटसाइड द स्टेडियम रिगार्डिंग टिकट प्राइसेस एंड ओवरऑल किस तरह से उनको जो है सही ट्रीट नहीं किया जा रहा. इस बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे. एंड द पाकिस्तान वुमेन्स टीम स्क्वाड हैज बीन अनाउंस्ड, दे विल बी प्लेइंग अगेंस्ट सऊदी अरेबिया ऑन द 7th of December. Let's get the show on the road. Today we only have one usual suspect. Let's give him a warm welcome, Abdul Latif Dada Boy. Sir, how are you? All well? All well. Thank you for having me, Altamish. I'll just like to quickly begin with La Liga, क्योंकि वहाँ पे जो एक title race है बहुत exciting हो गई. It's just one point which separates Real and Barcelona right now, और with and Real also have a game in hand. तो अगर वो game in hand जीतते हैं तो बाकायदा 2 point की lead बना सकते हैं Barcelona के ऊपर. और इस वीकेंड पे जो एक अपसेटिंग डेफिनेटली मैं कहूँगा 125th एनिवर्सरी थी बार्सिलोना की एंड 2-1 की स्कोर लाइन दे लॉस्ट टू लास पाल्मास. एंड इनफैक्ट बड़ी सरप्राइजिंग स्टैट ये था कि उनका जो एक्सजी था बार्सिलोना का इट वाज अराउंड 2.5 समथिंग 2.37 पाल्मास का था 0.05. अब इससे आप अंदाजा लगा लें क्या गेम हुआ होगा, ये क्या गेम हुआ था और किस तरीके से हारा है बार्सिलोना. लेकिन लास पाल्मास के जो मैनेजर हैं वो 3 दफा ये कर चुके हैं बार्सा के साथ, लेकिन फर्स्ट टाइम एट बार्सास ग्राउंड. यस अल्टिमेट एब्सोल्युटली. एंड अगेन जो थिंग टू ब्लेम था, जो चीज उनके लिए बड़ी सक्सेसफुल रही है, जो हाईलाइन थी और इस मैच में उस हाईलाइन के उनको नुकसान उठाना पड़ा बार्सिलोना को. हेक्टर फोर्ट का ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा ब्लंडर था. बाल्डे जो थे फर्स्ट हाफ में जो उनके लेफ्ट बैक हैं वो भी इंजर हो गए, तो और हेक्टर फोर्ड उनकी जगह ही आए थे और फिर उनसे वो मिस्टेक हुई. बट नो लमीन यमाल, नो डैनी ऑल्मो एंड अगेन वंस अगेन पॉइंट्स ड्रॉप्ड बाय बार्सिलोना.
पिछले तीन मैचेस के अंदर ललीगा के अंदर उन्होंने दो हारे एक ड्रॉ हुआ है, तो अच्छा उनका फॉर्म नहीं चल रहा है इस वक्त। ऑन अदर हैंड रियल मैड्रिड अल्तमिश एम्बापे अगेंस्ट स्कोरिंग, ऑल्दो फर्स्ट हाफ के अंदर ही उनकी हैट्रिक हो सकती थी, इतने उनको मौके मिले थे। इवन द सेकंड हाफ एज़ वेल। यस, एब्सोल्युटली, ही हैड अ लॉट ऑफ चांसेस, ही जस्ट कुडंट कन्वर्ट। लेकिन लग रहा है कि पूरा फोकस वीकेंड का आपका ला लीगा के ऊपर ही था। अल्तमिश, मैंने बोला शो में आपने इतना हेवी रन डाउन रखे, आगे मुझे मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, मैंने बोला मैं यहाँ पे जरूर वो बात कर लूं मैड्रिड की और बार्सिलोना की, बिकॉज हमारे जो शाइकी ने, आपको पता है ललीगा एक बड़ा पॉपुलर लीग है पाकिस्तान के अंदर। एब्सोल्युटली, मैंने कहा शायद जो चेल्सी एस्टन विला का मैच था उस पर भी तर्जी आप करेंगे, साथ साथ एक और लंदन डर्बी थी, फुलम वर्सेस स्पर्स, द नॉर्थ वेस्ट लंदन डर्बी। अच्छा, स्पर्स बूइंग देयर ओन मैनेजर, बिल्कुल। अच्छा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि टॉटनहम इतनी इनकंसिस्टेंट टीम है अल्तमिश, लाइक टोटल यो उनका एक ग्राफ का कर्व है कि एक मैच में वो इतने जबरदस्त होते हैं, मैनचेस्टर सिटी जैसे क्लब को हरा देते हैं, अगले मैच में फुलम जैसे क्लब के साथ ड्रॉ कर लेते हैं, एंड फुलम कंप्लीटली आउटप्लेड देम। मतलब ऐसा नहीं था कि टॉटनहम मैच में बहुत अच्छे थे, फुलम लकी टू गेट अ पॉइंट, ऐसा नहीं, फुलम डोमिनेटेड देम। इट वाज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस एंड दे डिजर्व देयर वन पॉइंट, और इनफैक्ट जीत भी सकते थे आसानी से। बिल्कुल, एंड आई थिंक यू हैव लॉट्स इन योर कैनन फॉर द मैच अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, द बिग वन व्हिच वाज प्लेड ऑन संडे बिटवीन लिवरपूल एंड मैन सिटी। पेप गार्डियोला इस ग्राउंड पे 10 बार जा चुके हैं एंड सिर्फ एक दफा जीते हैं, एंड 9 दफ़ा जो है उनको कोई वहाँ से रिजल्ट नहीं मिला। इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ उनको सामना करना पड़ा, एंड दिस वक्त इस दफ़ा तो काफ़ी उन पर हैवी पड़ा कि ही हैड टू एक्चुअली पॉइंट द सिक्स फिंगर्स टुवर्ड्स हिज ओन फैंस एंड द राइवल फैंस कि भाई मैं 6 दफ़ा टाइटल ये जीत चुका हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी एंड देन डिस्कस दिस मैच एंड बोथ द टीम्स। व्हर्लविंड स्टार्ट, बॉल कम्स अक्रॉस टुवर्ड्स वैन डाइक हू हिट्स द पोस्ट। Wonderful start from Liverpool. City just hanging in there at the moment. It's another good ball. Mo Salah's onto it. Looking up as he gets to the ball. And finding Gakpo. And Liverpool's start looked as though it may deserve a goal. And Gakpo provides it. Well, it's a good ball. Gakpo's onto this. And Matias Nunes slides in. Bernardo Silva. And now Rico Lewis. Walker bombing on outside of him. On towards Bernardo Silva. It's a tight angle. And it goes behind. It's a bit short. And Salah's onto it. And City in big trouble here. But Salah misses it. And City's hanging on in there. Darwin Nunes putting pressure on. Luis Diaz bursts away. He's over Ortega. And Chris Kavanagh says penalty. Well, there's going to be no overrule from VAR. Just the merest of touches. And it's enough for Chris Kavanagh. Mo Salah has surely won the game now for Liverpool. And the Blues will stare up 11 points above them and find Liverpool at the summit. Oh, now it's given away by Van Dijk. De Bruyne tried to get it through the legs, but Kelleher makes the save. बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग विजुअल था जो केलेहर का सेव था ऑफ केडीबी। दिस इज द फर्स्ट एक्चुअल सेव विच केलेहर हैड टू मेक इन दिस मैच इन द 82nd मिनट। लिवरपूल की पोजेशन इस मैच में 44% रहती है, सिटी हैड मोर, लेकिन अगर एक्सजी की बात करते हैं, लिवरपूल का एक्सजी वाज 3.57, द फर्स्ट टाइम सिटी हैव कंसीडेड एन एक्सजी ऑफ मोर देन 3। शॉट्स ऑन टारगेट की बात करते हैं, सिटी ओनली हैड 2 शॉट्स ऑन टारगेट कंपेयर टू 7 ऑफ लिवरपूल। बिल्कुल एक मिसमैच था इस मैच की अगर हम बात करते हैं बिटवीन द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड द टीम विच हैज बीन ब्रीदिंग डाउन देयर नेक फॉर क्वाइट मेनी ईयर्स। एंड जैसे मैंने पहले कहा था बिफोर द विजुअल्स के एनफील्ड पे पेप सिर्फ एक दफ़ा ये मैच जीत पाए, अदरवाइज वहाँ पे वो रिजल्ट निकालना उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहा है। मोहम्मद सलाह की अगर हम बात करते हैं तो इस मैच के अंदर अगेन ही हैड एन असिस्ट एंड अ गोल वाया पेनल्टी, एंड ये 36 टाइम्स ये इस तरह से मैच में कर चुके हैं इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, इक्वलिंग वेन रूनीज रिकॉर्ड। जी लतीफ, कैसे देखते हैं आप इस मैच को, एंड पहले सिटी की बात कर लें या पहले लिवरपूल की बात करें? सिटी की अगर बात करें, गार्डियोला इज कम्प्लीटली यू नो लूजिंग द प्लॉट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, एंड नोबडी हैज एनी सिंपैथी फॉर हिम because Altamish, he has made you know making so many mistakes right now, because Ortega ka jo start karana tha over Edison
move completely backfired. Edison ने बेशक midweek के अंदर fine out के अगेन जो third goal था उसके अंदर एक mistake हुई थी उनसे कि वो आगे charge out किया था, उन्होंने ball miss की थी जिसकी वजह से वो equalizing goal आया था, but लेकिन उस जैसे बंदे को इस किस्म की punishment दे के उन्होंने सिर्फ अपना ही नुकसान किया, because simple सी बात है ओडेगा ने जो penalty दी थी साला को तो वो उनके error ने मतलब you know मतलब वहीं पर ही बात पूरी फ्लॉप कर दी गार्डियोला की उसको एडिसन को ना खिलाने की, मतलब ही वॉज ट्राइंग टू मेक एन इम्पैक्ट, मेक कुछ एक थोड़ा ड्रास्टिक चेंज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि प्लेयर्स रिएक्ट करें, लेकिन वो नहीं हुआ. बैक फोर उन्होंने वही खिलाई जो हमने पिछले मैच में डिस्कस किया था कि पिछले शो के अंदर आदर कि आखिर को स्टार्ट करना है अगेंस्ट साला, एंड दैट मूव ऑल्सो कम्प्लीटली बैकफायर बिकॉज देखिए और कोई ऑप्शन भी नहीं था. गार्डियोला तो इतनी मिस्टेक्स कर रहे हैं, आके को ही खिलाना था लेकिन आगे आके इतना ज्यादा आगे होते थे कि पिछले मैच में उस मैच में भी गार्डियोला की मिस्टेक हुई थी और पेप ने कहा था कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, आइंदा वैसी मिस्टेक नहीं करेगा, बट इस मैच में नहीं स्टार्ट करवाया उनको. बिल्कुल सही किया मेरे हिसाब से, बिकॉज सिर्फ एक मैच की बात नहीं थी ना, गार्डियोला की पिछले कई मैचेस में मिस्टेक्स हो रही थी और कॉन्फिडेंस कंप्लीटली जीरो हो चुका था, उनको डिफेंडिंग हो ही नहीं रही थी, लेकिन आके इतने डोमिनेट हुए बिकॉज टाइम एंड अगेन हमने देखा कि बॉल ओवर द टॉप आती थी आके के वाले फ्लैंक के ऊपर और साला एक रन करते थे वहां से, तो आके भी बेचारे कुछ नहीं कर सके. रूबन डियाज ऑल्दो वापस आते हैं उनकी और जो स्विस सेंटर बैक है उनके साथ जो पेयरिंग है वो मतलब अच्छी साबित हुई, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैच यहाँ पे जो विन और लॉस जहाँ पे सिटी ने किया इट वॉज द मिडफील्ड जस्ट कुड नॉट कोप विद द पेस एंड इंटेंसिटी ऑफ लिवरपूल्स मिडफील्ड. लिवरपूल के मिडफील्ड में आपको पता है जैसे यू नो मैकएलिस्टर हो गए, ग्रेवेनबर्च हो गए, सैबस लाए, यू नो दे वर कंप्लीटली आउटप्लेड, वहां पे बर्नार्डो और गुंडगन थे which मतलब they have completely lost the legs. Gundogan तो specially time and again possession concede करते रहे Liverpool को, और जो wingers उन्होंने खिलाए थे Man City ने, Rico Lewis and Matheus Nunes on the wings, can you imagine, वो तो it completely backfired. They were completely impotent, especially in the first half. पहले half के अंदर एक shot on target नहीं था, इनफैक्ट shot on target तो खैर काफ़ी late आया मैच में. Thorough domination by Liverpool और जो गार्डियोला की इवन जो substitutions थी, आई थिंक ही वेटेड टू लॉन्ग टू ब्रिंग ऑन डोकू और जो सैवियो को भी जो लेकर है, सैवियो को वो थोड़ा लेट लेकर है फर्स्ट हाफ के अराउंड 57-58 मिनट के ऊपर, एंड ग्रीलिश और डिब्रोइना को आखिरी 12 मिनट के लिए लेकर है. देखिए डिब्रोइना की कोई भी कंडीशन हो ना, डिब्रोइना की जो सेट पीस एबिलिटी है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली, तो वो चीज़ तो उसके उस सिर्फ उस पॉइंट के लिए उनको पहले ले आते हैं, आउटसाइड द बॉक्स भी वो शॉट्स लेते हैं. फिल फोर्डिन बेशक चाहे जितना भी प्ले मेकिंग में अच्छे हों लेकिन वो जब तक बॉक्स के अंदर करीब नहीं होते तो उससे पहले शॉट नहीं लेते हैं वो, तो केडीबी को उन्होंने मिस किया. कोल पामर को देख के याद आती होगी कि ये हमने क्या कर दिया. नॉट जस्ट कोल पामर, मैं तो लियाम डेलैप का भी मैंने जिक्र किया है हमेशा कि क्विकली लिवरपूल पे आ जाते हैं, उनके पॉइंट से आप जरा मैच डिस्क्राइब करें अगेन द परफॉर्मेंसेस एंड आर्ने स्लॉट 18 आउट ऑफ 20 विंस. Unbelievable. Absolutely unbelievable. A very achi headline thi. Klopp's rock and roll. Nahi, rock and roll tha Klopp ka. And the symphony of slot completely annihilated Man City. Aur maine ek aur badi headline zabardast padhi. Arnie's slot machine. Yes, yes. To Salah, you know, he has been the player for Liverpool this season. 13 assist hain, 11 goal hain inke is season ke andar. प्लस अच्छा सबसे जो मजे की उन्होंने चीज की थी आर्नी स्लॉट ने कि लुइस डियाज को सेंटर में खिलाया, कोडी गैप को उनको लेफ्ट में खिलाया, और लेफ्ट उनकी वही पोजीशन है जहां पे वो पीएसवी में खेला करते थे कोडी गैप को, और जो उनकी सक्सेसफुल जो पोजीशन थी, और उसका रिजल्ट हमें इस मैच के अंदर देखने को मिला. पिछले 7 गेम्स के अंदर 6 गोल स्कोर कर चुके हैं कोडी गैप को, एंड अगेन वंस अगेन ही वॉज ब्रिलियंट इन दिस गेम एज वेल. सो एवरीथिंग यू नो कमिंग राइट फॉर लिवरपूल. हालांड ऑन द अदर हैंड अल्तमश उसका इस गेम के अंदर XG 0.11 था, सिर्फ 16 टचेस थे, एंड इफ यू डू नॉट गेट द बॉल टू हालांड ही डजंट ड्रॉप इन मिडफील्ड, ही डजंट कंट्रीब्यूट एट ऑल, कोई उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं होती. मेरे ख्याल से यहाँ पे गार्डियोला ने काफी चीजें उनको अब चेंज करनी पड़ेंगी हालांड के रोल के हिसाब से, शायद उनको अलाउ करना पड़ेगा कि थोड़ा ड्रॉप डीप करें ताकि जो विंगर्स हैं उनके लिए स्पेस क्रिएट हुए और वो कुछ अपना जलवा दिखा सकें. Because it is just not working out at all. Completely, you know, disjointed lag rahe hain. And the service which the Liverpool forwards were getting in the box, unbelievable. Jab humne maza aaya dekhne mein. Jab pehla goal jo Salah ka pass tha Gakpo ko, pinpoint pass and no look pass tha. Unhone dekha tak nahi. Unhone ball wahan pe itni accurate ball dali aur Gakpo ko sirf tap in karna tha wahan pe. Chalein ji, let's listen in to what Pep Guardiola had to say after this match. Lekin unhone pura credit zarur diya Liverpool ko for winning this one. Let's have a listen in. Well.
First is congratulate Liverpool for the well-deserved victory. The first 50-20 minutes we experienced like many other times coming here with our prime. These 50-20 minutes we suffer, they will deserve the goal, they went 0 down. And after we take the game, I know for some people don't like the lineups, but we cannot compete against Liverpool, not just Liverpool, many, many other clubs, a transitional team. So I love wingers, but I want more control because we know when they lose, immediately they contact with Salah, with Szoboszlai, or with Luis, or Gapko, and after Nugget, Darwin. So they are so fast, faster, quicker, stronger than us in that position. We want a game like bring it like it happened in the last 50, 20 minutes of the first half, in the second half, until in the last 50-20, Bernardo lose a ball in the middle, Salah have a big chance, and after that, the penalty. Of course, more difficult. So, yeah, congratulate. As always, positive. I said, I know how difficult the situation in terms of result right now, but the team gave everything, and I see how Ruben can. A very humble Pep Guardiola over there. Let's hope things change around for him and Man City, and we see a better competition very soon. Rahenge hum Manchester ke andar hi, lekin ab baat karenge Manchester United ki. Unka match tha versus Everton, and wahan pe lagta hai phir se, at least inside Old Trafford, ek feel good factor zarur aa gaya. Although match se pehle jo fans the kafi naraaz the apne club se, wo zara aage ja ke mujhse baat karenge, but results are looking good. And ek jagah jo hamare expert ne kaha tha shayad ye match draw hoga, yahan pe ye 4 goal score karte hain against none from Everton. And Rashford ne 2 saal baad jo hai 2 goal kisi match ke andar score kiye hain, so he's also finding his feet. And jab se Amorim aaye, I think ye 2 ya 3 goals already wo score kar chuke hain. The highlights pe nazar dalte hain of Manchester United versus Everton. Oh, Jordan Pickford. Oh, a long ball forward has found Dallow. Could be in here. Big sliding challenge to deal with the danger. Towards Mainu. Defensive header was Tarkovsky's. Ahmad! Oh. Delivery is a flat one. Marcus Rashford arriving! And in! And United lead. A huge deflection. I think it touched Jared Branthwaite last. This is Branthwaite. Picked his pocket, Ahmad has. And now Fernandez. And Xerxy, and 2-0! Joshua Xerxy has his goal! Picked for the starting lineup, and he repays his manager's faith! United in vogue here, and Everton ailing. Oh, Bruno Fernandes avoids the challenge! He got a shot off, it was blocked, and he's now complaining to the referee. 2-0 to the good at the break, looking for his first Premier League win. And they're on again here. Could be a third in the offing as early as this. It's Ahmad. Got supporters too. One of them is Marcus Rashford. It's 3. And now Rashford in on the act. Once again. He opened the scoring in the first. Planning his next move. It might involve Marcus Rashford. A dummy in the end. Intentional or not. Won't matter. Ahmad's away here. Xerxy supporting. It is Xerxy, and it's second for him. 4-0. Joshua Xerxy. Full time on a Manchester United rant. Ruben Amorim successful at Old Trafford. Isse pehle jo hai midweek he won the European game over there. This week he's won his first Premier League match at the Old Trafford. So ab 3 matches mein se 2 wo jeet chuke hain, ek draw raha hai is match ke andar. United had 60% of the possession and they had 5 shots on target compared to just 2 of Everton. Thode se numbers in terms of with the perspective of Everton agar hum baat kare. Everton ne pichle 32 matches which they played at Old Trafford sirf ek dafa unhone win nikali, aur baat hoti hai Sean Dyche ki aur unke defensive capabilities ki. Pichle overall 5 dafa wo 4 plus goals concede kar chuki hai Sean Dyche ki team, and they are really struggling this time. Let's see ki wo unko bacha pate hain ya nahi. Lekin jaise maine pehle baat ki, Rashford ab 2020 ke baad first time unhone kisi match ke andar 2 plus goals score kiye hain. Xerxy ka bhi goal aata hai and things looking at least a little better. Lekin Amorim is still not fully convinced. Wo ye keh rahe hain ki don't look at the result, look at the style of play. Ji Latif, huge confidence booster for Manchester United definitely to get 4 goals. You know, goals ki itna fukdan chal raha tha recent matches mein. Main cheez thi agar wo draw bhi kar rahe the, wo goals ne unke nahi aa rahe the. True, true, true.
and plus a clean sheet as well. Yes. You know, defense will be the question marks there. And Rashford scoring. Absolutely. Bahut badi baat hai Rashford score karna, because he's there, all, you know, top earning player at United. Unka main talisman hai, definitely. And he has a long contract. So he is the future, right? So Amorim ki sabse badi zimmedari ye hai ki to players like Amar Diallo, players like Garnacho, players like Rashford, Bruno, in sabse maximum output extract karein. ताकि यही वो प्लेयर्स हैं जो एम्बरिम को यू नो आगे चल के उनकी मतलब जॉब को सिक्योर रखने वाले हैं वो. और इस गेम का अल्टीमेट जो चेंजेस थे, अमार डियालो वाज प्लेइंग एट विंग बैक, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि टेन हाग की क्या पर्सनल दुश्मनी थी इनसे कि उनको मौका नहीं मिलता अगेंस्ट अंडर टेन हाग. सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जो पिछले इस सीजन के अंदर किसी यूनाइटेड नए प्लेयर को मिला था वो ज़र्क्सी. बिकॉज ज़र्क्सी सब कह रहे थे ना फिनिशिंग करता है ना रन करता है, मतलब करता क्या है, क्यों है ये टीम में और खरीदा क्यों. इन्होंने आज अपने क्रिटिक्स को थोड़ा बहुत जवाब दिया मैं कहूंगा इस मैच के बाद, बिकॉज नॉट जस्ट द टू गोल्स, उनकी जो ओवरऑल मूवमेंट थी और रैशफोर्ड के साथ जो लिंकअप था वो थोड़ा बेहतर था. तो मैंने इंकरेजिंग साइंस हैं कि डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड अगर इस किस्म का टेम्पलेट ये लोग रखते हैं तो कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है. और हमें फर्स्ट हाफ ऑफ द टेबल के अंदर अब यूनाइटेड आ चुके हैं और दे आर जस्ट 6 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द टॉप 4 पोजीशन, राइट? तो इतना राइट नाउ द पॉइंट डिफरेंशियल इज वेरी लेस. दे माइट साउंड के नंबर बहुत नीचे है लेकिन नंबर्स एक्चुअल जो पॉइंट्स हैं उनका फर्क. वेरी क्विक कमेंट ऑन शॉन डाइक एंड एवर्टन. उससे पहले एक छोटी सी बात, अभी आर्सेनल के खिलाफ उनका मिड वीक के अंदर मैच है यूनाइटेड का और वहां पे लिसांड्रो मार्टिनेस एंड कोबी मेनू विल बी सस्पेंडेड बिकॉज दे गॉट येलो कार्ड इन दिस गेम, व्हिच इज टेरिबल न्यूज फॉर यूनाइटेड फैंस. ऑन द अदर हैंड अगर हम शॉन डाइक और एवर्टन की बात करें, समथिंग इज डेफिनेटली नॉट रॉन्ग. देखिए शॉन डाइक सिर्फ जाना जाता था अपनी टीम की डिफेंसिव प्रोवेस से, ठीक है जी. वो गोल्स करे या ना करे वो गोल्स रोक के पॉइंट्स ईक आउट करता था, जैसे ड्रॉज निकाल लेता था, एक आध वन नील विक्ट्रीज निकाल लेता था. अगर चार चार गोल से एवर्टन अगर कंसीड करेगी तो शॉन डाइक मेन बात हमने डिस्कस नहीं की, जारेड ब्रैथवेट जो हैं उनको जो है समर में यूनाइटेड लेने वाली थी, लग रहा था वो अपना हक अदा पूरा कर रहे थे इस मैच के अंदर. दो गोल तो उन्हीं वजह से हुए, दो गोल उन्हीं की वजह से हुए, मतलब मेजर उनके एरर्स थे. बट यू नो एवर्टन की जो शॉन डाइक की जो नौकरी सबसे बहुत ज्यादा इस वक्त मैं समझता हूँ खतरे में होगी. लेकिन मतलब ऑन द अदर हैंड अल्टीमेट जो ट्रांसफर विंडो के अंदर जो उनको सपोर्ट मिली, जीरो सपोर्ट मिली. वैसे उनके मैनेजमेंट के खुद के इतने इश्यूज चल रहे हैं वहां पे, बहुत प्रॉब्लम्स बिल्कुल चल रहे हैं. लेकिन लेट्स लिसन इन टू व्हाट रूबन अमोरिम हैड टू से आफ्टर दिस मैच रिगार्डिंग हिज टीम एंड द परफॉर्मेंस. It's a while since Manchester United fans saw a 4-0 scoreline here at Old Trafford. How good was that out there this afternoon? Yeah, the result was good, but we were pragmatic. It was not pretty, but we were pragmatic. We did our job is to win, but you can feel it that we have a long way to go. So you can feel it in the first minutes that we are okay, and then Everton controls a little bit the game, and then in the right moments we had the goals that changed a little bit the game. So you have to not just focus on the result, but focus on the way the result appear. So we have like before the game, we have so much to do, but it's better to work with victories. But let's focus on the performance more than the result. Okay, but talking to Marcus Rashford, who is busy in this interview area as well, he said it was more difficult than the scoreline would suggest. Of course, you can feel it during the game. We have some moments. It's like it's not like a line of top performance. It's like a roller coaster of the performance. So we have to understand that, we have to feel that in the game we have some moments that we are good, but in the other moments we have to suffer. I think we did it again, like in the last game for Europa League. But we need time to train and time to improve. But like I said, it's better to work with victories. Yeah, you're not going to get that time to train as much because of the way that the fixture list is here in the Premier League, but also in cup competitions as well. One of those things you did tell me, though, before the match was Joshua Zirkzee. You saw something in him in training and you thought it was an idea that might work out well, and
certainly did. Yeah, it's everything for the player because he did a great job. Two goals, it's good for his confidence, but it's that things that you have an idea, but was not because I select them that I have like a epiphany. It was nothing like that. We need fresh legs, and then they are good players and they can solve some problems that the team cannot solve at the moment, but the players are helping a lot, so congratulations to the players. I mentioned another player, Marcus, but two goals for him as well, and you've spoken about how you want to get him back to his best, but there just seems to be a spark and an energy about him right now. Yeah, a new coach is always like that, but he has so much to improve, so much to do, and he can do so much better. So let's focus on the performance, not just the results or the goals. Let's focus on the performance and not just the goal. As per him, they were pragmatic, they were not pretty. Uske baawad results aa rahe hain, and jaise Latif ne kaha tha, aur kitna pretty ho sakta hai given the squad and the available resources which he has. True, Altamish, abhi unka asal test midweek mein Arsenal ke khilaaf aa jayega, unko squad ki jo haqeeqat hai wo us match mein bilkul clear ho jayegi, because jis form ke sath Arsenal hai, 5-2 jo West Ham ko unhone haraya hai, to but let's be honest, West Ham ki bhi wo form nahi hai jo हो सकती थी. 36 मिनट में 4 गोल कर चुका था आर्सेनल, और जब से ओडिगार्ड वापस आया है 13 गोल कर चुका है आर्सेनल सिंस ओडिगार्ड रिटर्न. 5 दफा 2024 में वो 5 गोल्स भी कर चुके हैं बिल्कुल. लेकिन एक बड़ा प्रेसिंग इशू वो ये है कि जितना भी फील गुड फैक्टर ओल्ड ट्रैफर्ड पे आ जाए, जो इस वक्त उनकी जो मैनेजमेंट है, जो उनके नए ओनर एक आए हैं, उनके आने के बाद काफी सारे ऐसे चेंजेस किए जा रहे हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि जो क्लब की सोल होती है उसको निकाला जा रहा है. सर एलेक्स फर्गसन को जो एक मैनेजर एक रोल एम्बेसिडर रोल दिया गया था वो उनसे वापस ले लिया गया. बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की जा रही है. अब टिकट प्राइसेस स्पेशली बच्चों के और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके प्राइस में बहुत बड़ा एक प्राइस उन्होंने हाइक कर दिया, जिसकी वजह से इन्हीं के फैंस ने मुजाहरा किया ओल्ड ट्रैफर्ड के बाद बिफोर द मैच वर्सेज एवर्टन. लेट्स हैव अ लुक. जो फैंस हैं वो यही कह रहे हैं कि क्लब्स बहुत ग्रीडी हो चुके हैं. लतीफ को एक कॉमेंट इस पे, एंड इट्स नॉट जस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड जहाँ पे हमने वीकेंड पे देखा, बार्सिलोना के फैंस भी उन्हीं के क्लब के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं दे हैव सोल्ड आउट, क्योंकि उनके जो गोल के पीछे जो स्टैंड है उसको वहाँ से उनको एवैक्यूएट किया गया था उनके फैंस को. बिल्कुल अल्तमिश, सर जिम जब से आए हैं उन्होंने 350 जॉब्स स्लैश की हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में एज अ कॉस्ट कटिंग मेजर, जिससे उन्होंने अराउंड 30 मिलियन पाउंड्स सेव किए हैं. और वो 30 मिलियन पाउंड्स उस जैसे कितने 30 मिलियन पाउंड उन्होंने जाया किए हैं प्लेयर्स के ऊपर, ज़र्क्सी बीइंग वन ऑफ देम. इस मैच में स्कोर किया था बट वाज बीइंग लेबल्ड एज अ ह्यूज फेलियर. मेसन माउंट हो गया, मतलब देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्लेयर्स. बट दीज प्लेयर्स केम बिफोर जिम, राइट? जिम रैटक्लिफ. बिल्कुल, लेकिन ज़र्क्सी तो अभी इस विंडो के अंदर ही आया था ना सर. आई वोंट पुट दिस ऑन द ओनर बिकॉज़ ऑब्वियसली द ओनर इज नॉट picking and choosing the players, lekin yahan pe jis tarah se cheezein ki ja rahi hain, given the fact you'll think at least Jim Ratcliffe is a boyhood Manchester United fan, to aisi cheezein at least jo supporters hain unko hit nahi karengi. Altamish, dekhiye jahan pe itni jobs unhone slash ki, sir Alex ka jo ambassadorial role tha, it was just around 2 million pounds a year, to wo tak unhone cut kar diya. So matlab he is looking to streamline costs aur expenses, wo sare curtail karne ki koshish kar rahe hain. तो आई एम श्योर, आई एम नॉट रियली सरप्राइज. अल्टीमेटली कल्चर डिफरेंस भी है ना, नॉर्थ अमेरिका को कंपेयर करें यहाँ से यूरोप से, वहाँ पे MLS की प्राइसेस देख लें, NBA की प्राइसेस देख लें, कम से कम प्राइस 80-90-100-100 डॉलर की टिकट्स होती है. मैं आपको कम से कम टिकट्स बता रहा हूँ, और ये यूरोप के अंदर ये कल्चर है इस किस्म का. हमें $25 जैसे बच्चों की टिकट उन्होंने बढ़ा के 25 कर दी है, एडल्ट्स की 66 पाउंड्स कर दी है यहाँ पे, एडल्ट्स की 66 की, बच्चों की 66 कर दी है. ओके, तो फिर दिस इज इसीलिए मुजाहरे हो रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि आपके जो लोकल फैंस हैं वो तो मैच देखने आएंगे ही नहीं. He is trying to bring it on par, at par with the North American model. मुझे ये नजर आ रहा है, because वहाँ पे जो ticket prices होती हैं, बहुत expensive होती हैं MLS और NBA वगैरह के अंदर. बिल्कुल सही है. I wonder who goes and watches MLS anyway. नहीं, US के अंदर तो आपको पता है sold out होती हैं, बड़े-बड़े giants हैं ये इस किस्म की जो franchises हैं वहाँ पे. बिल्कुल नहीं, मैं MLS की बात कर रहा हूँ, not NBA. मैं MLB की बात कर रहा हूँ, Major League Baseball की बात कर रहा हूँ मैं, और NBA की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो. अच्छा, I thought आप MLS की बात कर रहे हैं. I'm sorry, I take my word.
back MLB and NBA. Perfect. चलें आगे बढ़ते हैं, एक और मैच डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द नॉर्थ ईस्ट लंदन डर्बी जो खेली गई एट द लंदन स्टेडियम, होम ऑफ वेस्ट हैम यूनाइटेड. यहाँ आर्सेनल आई और उन्होंने तबाही फेर दी. लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस मैच एंड देन डिस्कस इट फर्दर. Saka's delivery is in towards the near post, and Gabriel's header finds the bottom corner. Arsenal have a breakthrough, and it's their Brazilian centre-back who just can't stop scoring from corner kicks. Odegaard on the edge of the box, clips it into Bukayo Saka, who squares it to Leandro Trossard, who doubles Arsenal's lead. He scored in midweek, and he scored here again. The Arsenal skipper steps up against the former Arsenal goalkeeper. Martin Odegaard finds the bottom right-hand corner. And Arsenal at three goals to the good. He's made a huge impact since returning to the team. This is just about game management. Here's Kai Havertz. He's in behind. He's got onto the end of Leandro Trossard's ball. And he slots it home to make it Arsenal 4 West Ham 0. This has been a sensational half of football from Mikel Arteta's side. Looking to thread a ball through to Aaron Wan-Bissaka, who pulls one back for West Ham United. It's a brilliant pass, it's an excellent finish. It's going to be Emerson to hit it, and he beats David Raya, and West Ham have another one back. This is a crazy, crazy game of football. It's Bukayo Saka, and it's a fifth for Arsenal. West Ham United looked as though they were fighting their way back into the game. Right-footed shot. Looked like it was headed for the far corner, but in the end it drifts wide. इस मैच में पहले सेट पीस की बात कर लेते हैं. आर्सेनल ने इस सेट पीस पे गोल नहीं किया. वी नो दे हैव गॉट द मोस्ट गोल्स वाया सेट पीसेस सो फार इन द लास्ट आई थिंक टू सीजंस. और अगर ओवरऑल इस मैच की हम स्टैट्स की बात करते हैं, आर्सेनल प्लेइंग अवे बट स्टिल हैड 60% पोजेशन एंड 3.6 एक्सजी. एंड पिछले 7 डेज के अंदर दो दफ़ा ये 5 प्लस गोल्स भी स्कोर कर चुके हैं. द वे दे आर स्कोरिंग, इट्स एब्सोल्यूट अ प्लेजर टू वॉच दिस टीम एंड द यंगस्टर्स. एंड जैसे लतीफ ने पहले भी कहा कि ओडेगार्ड इज बैक, बट क्विकली ये बताएं कि लोपेटेगी के पास क्या फॉर्मूला है कि अभी तक वो जॉब में बैठे हैं वेस्ट हैम की. इट्स बीन एन एब्सोल्यूट डिजास्टर एंड वी नो हाउ पैशनेट द वेस्ट हैम फैंस आर. Demanding fans hain. The reason that they turned against David Moyes, the fans, was because although European trophy jitai thi unhone conference league, lekin jo style of play tha wo bahut boring lagta tha fans ko, to is wajah se unpe itna criticism hota tha aur itna unko boo kiya jata tha. Aur Lopetegi ko lane ki sirf ek wajah ye thi ki style of play thoda entertaining hoga to fans thoda enjoy kar payenge. Aur entertaining kya matlab results itne zyada, you know. Achha, I have a friend who lives right next to the London Stadium. Jee. And he told me while he was watching the match from the balcony, but I enjoyed karte karte ki half time pe other London stadium khali ho chuka tha. That was true. Mere khayal se to wahid jo West Ham fan bach gaye the wo Lopetegi khud the, because he was suspended and he was watching the game from the stands. To although half time ke baad thode bahut fans aaye, lekin but again thodi der ke baad wo bhi wapas chale gaye. But it was very funny to watch that ki apne hi fans unko itna zyada sab chhod chhad ke ja rahe hain. लेकिन 36 मिनट में 4 गोल आ गए थे. फिर हमने देखा एमर्सन की फ्री किक आती है वेस्ट हैम के लिए, प्लस वो फैबियंसकी को हमने देखा कि एक उन्होंने जो लास्ट पेनल्टी जो दी थी एक पंच मारने के लिए, वो आ रहे थे बॉल को, उन्होंने वो मिस किया एंड साका कन्वर्टेड द सेकंड पेनल्टी. पहली पेनल्टी जो मिली थी ओडेगार्ड ने कन्वर्ट की थी. और जो पहला गोल इनफैक्ट जो ट्रॉसार्ड ने जो गोल किया था वो भी एक बड़ा लवली मूव था ओडेगार्ड और साका का. उन्होंने प्लेट बिल्कुल बॉल बना के दी ट्रॉसार्ड को, जो उन्होंने टैप इन की. और जो जो गैब्रियल ने जो हेडर स्कोर किया था उसके अंदर पाकेटा के ऊपर हल्का सा एक पुश हुआ था, मामूली सा पुश था, वो इतना था कि मतलब वो अपनी बॉल की फ्लाइट से थोड़ा दूर हो गया, वो गैब्रियल को एक मौका मिल गया. 28 गोल्स सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट सीजन दे हैव स्कोर्ड ऑन फ्री किक्स. नंबर 2 ऑन द लिस्ट इज अराउंड 23 पे है, वो सेकंड नंबर पे जो टीम है. लेकिन आर्सेनल बाय फार यू नो सेट पीस की जो एफिशिएंसी है उनकी, मतलब इट्स एन एग्जांपल. एंड इवन आई थिंक गैब्रियल इज द ओनली डिफेंडर विद द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स सो फार एज वेल. ट्रू ट्रू एब्सोल्युटली बिल्कुल. मतलब गैब्रियल, अच्छा उनके रन्स भी बड़े मजे के होते हैं, बिकॉज जहां पे बॉल आ रही होती है उसको एग्जैक्टली पता होता है और रन्स इतने अच्छे से टाइम करके पहुंचता है वहां पे. डिफेंडर के पास बहुत कम मौका होता है उसको कवर करने का. मैन टू मैन मार्किंग आप कवर कर सकते हो, जोनल मार्किंग में गैब्रियल को रोकना बहुत मुश्किल है. बिल्कुल सही. लेकिन चले लंदन में ही रहते हैं और रुक करते हैं जरा वेस्ट लंदन का. चेल्सी वर्सेस एस्टन विला, और अगेन एक और टीम है जो काफ़ी पीछे से ऊपर आई है. नोबडी एक्सपेक्टेड के इस पॉइंट पे, जिस तरह से उनका स्पेशली प्री सीजन रहा था
کہ وہ یہاں تک اس وقت وہ نمبر ٹو پوزیشن پہ ہوگی. ان فیکٹ دے ہیو دی سیم پوائنٹس ایز آرسنل اینڈ ناؤ دے آر ایکچولی لوکنگ ٹو فائٹ فار دا ٹاپ فور پوزیشن. آلدو ان کے مینیجر نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ آر اسکواڈ از ٹو ینگ, وی آر ناٹ گوئنگ فار دا ٹائٹل. اینڈ زو میلسکا کی یہاں بات ہو رہی ہے, ایسٹن ویلا کو ہراتے ہیں اینڈ ڈیفیکلٹ ٹائمس فار ایسٹن ویلا. اب آٹھ میچز جو ہیں ان میں ان کی ایک بھی ون نہیں نکلی ہے. اونائی ایمری کافی مشکل میں نظر آ رہے ہیں. بٹ لیٹس ہیو لک ایٹ دی ہائی لائٹس فار دس میچ اینڈ دین ڈسکس اٹ فردر. Excellent play. And out to Pedro Neto. First chance for him to attack Luka Dina here. Floated his cross in toward Jackson. Konsa got his head to it. Lavia sent it back. Cucurella made sure that Villa couldn't get out. And now he can put a cross in. And Nicholas Jackson! Off the post and in for 1-0 Chelsea. Jackson on target at Stamford Bridge. Eighth goal of the season for him. A rare one in front of his own supporters. A terrific finish. And Chelsea ahead inside 10 minutes. Tielemans punching it up to Kamara. Good put in by Cole. He was unfortunate that it ran for John McGinn. He's played it over the top looking for the run of Watkins. Look how fast Fofana is, but he's been beaten by Watkins. Great chance for the equaliser here. Fantastic save from Robert Sanchez. Raced off his line, didn't give Watkins much to aim at, and made himself big to block the shot. Oh, he's given it straight to Jackson, and he's managed to recover for now at least, and he did well not to give away a penalty. Big, big let-off for Aston Villa and their goalkeeper, just as their supporters were chanting he's the world's number one. Caicedo found Fernandez, lovely ball from him to Palmer. Palmer gave it in back, Fernandez could shoot, what a goal! Enzo Fernandez! For the second time in as many Premier League games, that was a thing of beauty from back to front. Palmer magical, Fernandez clinical, Chelsea 2, Aston Villa 0. Free kick was worked short. Okay, here's Palmer. Shifted it, got the shot away! Goal, Palmer! 3-0 کے اسکور لائن سے جیتی ہے چیلسی دے ڈیفیٹ ایسٹن ویلا, جنہوں نے پچھلے آٹھ میچز میں کوئی ونز نہیں ہے. پریمیئر لیگ کے پچھلے پانچ میچز میں ان کی ون نہیں ہے. آل دو چیمپئنز لیگ میں دے آر بیئرلی سروائیونگ اوور دیئر. پچھلا میچ ان کا جو تھا وہ ڈرا تھا ورسز یوونٹس. دے ہیڈ این ایکس جی, چیلسی ہیڈ این ایکس جی آف 1.69 ان دس میچ. اور جو اینزو فرنانڈیز ہیں بیک ٹو بیک اب وہ گول اسکور کر چکے ہیں. کول پامر, نکولس جیکسن اگین اسکورنگ از ویل اینڈ گڈ ٹائمز لک لائک اٹس گڈ ٹائمز ایٹ دا بلو اسٹیڈیم اسٹامفورڈ برج. جی لطیف, التمش ایسٹن ویلا کے ساتھ اس سیزن جو ہو رہا ہے وہ سیم ایکشن ریپلے سمجھ لیں جو لاسٹ سیزن نیوکاسل کے ساتھ ہوا تھا, جب انہوں نے بھی ٹاپ فور پوزیشن کے بعد کوالیفائی کیا تھا, لیکن جو اسکواڈ ڈیپتھ اتنی نہیں تھی کوپ اپ کرنے کے لیے چیمپئنز لیگ فکچرز اور پھر ویکینڈ کے اوپر پریمیئر لیگ فکچرز. تو یہ سیم چیز ہو رہی ہے, دے لک فٹیگڈ ڈیفینیٹلی. انگنا ایمری کو کچھ چینجز کے بارے میں سوچنا پڑے گا, اسپیشلی یوہان ڈیورون جو ہے ان کے جو اسٹرائکر ہیں جو اکثر ان کو بینچ سے لے کر آتے ہیں, سپر سب بنایا ہوا ہے, ان کو مے بی اسٹارٹ کرانا پڑے گا, بیکاز یہاں پہ بھی ان کو دو موقع ملے تھے ایسٹن ویلا کو اسکور کرنے کے لیے, دے ڈنٹ ٹیک دوز چانسز. تو دین ہی نیڈس لک ایٹ چینجز, اسکواڈ کو ریفریش کرنا پڑے گا ڈیفینیٹلی. چیلسی آن دا ادر ہینڈ اس قسم کی کوئی ان کو فٹیگ والا ایشو ہوتا ہی نہیں ہے, بیکاز دے گاٹ اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ سیٹ آف پلیئرز فار مڈ ویک فکسچرز اینڈ دی ویکینڈ فکسچرز. اب بہت جنرس ہو رہے ہیں ان کے اسکواڈ سائز کے ساتھ. بالکل, تمش آئی مین اینزو ماریسکا سب کو خوش رکھ کے چل رہے ہیں, وہ سب کو یو نو ایک ہارمنی نظر آ رہی ہے, دا پلیئرز آر پلیئنگ فار ایچ ادر. اور اس گیم کا جو ان کی ٹیکٹکس تھی جو کہ مجھے بڑی مزے کی لگی, تھری مین ڈیفینس تھا ویسے یوں, لیکن جب چیلسی بال لوز کرتا تھا تو کیسیڈو مڈ فیلڈ سے رائٹ بیک والے سلاٹ پہ آ جاتا تھا ٹو میک اٹ فور ایٹ دا بیک. اینڈ ان کا اور لاویا کا اوبیسلی جو پیوٹ تھا, ڈبل پیوٹ انہوں نے سینٹر آف دا مڈ فیلڈ کھلایا ہوا تھا. اینزو ماریسکا آگے ایڈوانس رول کے اندر تھے الانگ وتھ کول پارمر, اور ساتھ میں دونوں ونگرز تھے. آل دو سانچو تھوڑے نئیو مجھے اس میچ میں نظر آئے, بیکاز ایک ان کو فاؤل کیا تھا باکس میں پینلٹی کے لیے اینڈ ہی ڈنٹ گو ڈاؤن. اگر وہ ڈاؤن ہو جاتے تو ڈیفینیٹلی پینلٹی ان کو ملتی, بیکاز کلپ ڈیفینیٹلی کیا تھا ان کو. آپ چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیکٹیکل فاؤلز ہوتے ہیں یہ ہونے چاہیے, آپ انکریج کر رہے ہیں باکس کے اندر. دیکھیں بات یہ ہے, اگر فاؤل ہو رہا ہے تو ریفری کو فاؤل دینا چاہیے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ پلیئر گرا کہ نہیں گرا, بیکاز دیر واز کلیئر کانٹیکٹ آن دا کاف. بٹ
Sancho trying to be too honest and didn't get the penalty. बिल्कुल सही. लेकिन मेलेस्का की आपने बात की. He's won 38 matches out of 59 he's played in the Premier League so far, and it's the highest number of wins for any manager right now. बहुत बड़ी बात है ये वैसे. True. अल्तमिश, लेकिन मैं तो काफी confident था उनकी appointment के बाद, और अब I'm sure बाकी पंडित्स भी देख के उनको भी समझ आ रही है. आपका इशारा हमारी तरफ ही है. नहीं, मैं तो ग्लोबल बात कर रहा हूँ कि आप जेमी कैरेगर, गैरी नेवल ने कितना बैच किया था, हर पंडित ने बैच किया था इनके अपॉइंटमेंट को सिवाय मेरे. I'm very glad आप अपने आप को उस लेवल पे देखते हैं, माशाल्लाह. That's where we are. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, definitely. Then we're just doing jokes. And but let's have a look at the overall scores in the other matches in the Premier League जो खेले गए over the weekend. के क्या-क्या results रहे? Let's have a look on our screens. And Brighton और Southampton का मैच एक-एक गोल से बराबर था. Surprising के it's very difficult scoring at the Amex जो Brighton का stadium है. But Southampton अब दो matches वो draw कर चुके हैं, तो they are trying their best as well कि वो नीचे से ऊपर आएं. And Brentford 4-1 से outclass करता है Leicester City को. उनका अभी भी hangover चल रहा है लगता है Leicester City का, कि जब तक Van Nistelrooy नहीं आएंगे और संभालेंगे कमान. Crystal Palace अभी भी struggle कर रहा है, एक एक गोल से बराबर रहता है इनका मैच वर्सेज Newcastle. Nottingham वर्सेज Ipswich, Nottingham जीत निकालते हैं. Nottingham का अगला मैच जो है अब है Man City के साथ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा. Wolves अपने होम पे हारता है वर्सेज Bournemouth. एंड वेस्ट हैम का और आर्सेनल का मैच हम डिस्कस कर चुके हैं. कल मैचेस हुए चेल्सी एस्टन विला का, वो अभी हमने डिस्कस किया. यूनाइटेड एवर्टन भी डिस्कस. स्पर्स एंड फुलम का मैच जो इसे हम कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट लंदन डर्बी, ये एक एक गोल से बराबर रहती है. एंड लिवरपूल जो है वो सिटी को हराता है 2 goals से. एंड ये था सूरत हाल ऑफ द प्रीमियर लीग सो फार ओवर द लास्ट वीकेंड. अब जरा गियर्स चेंज करते हैं. हमने शो के शुरू में बात की लालीगा की, देन वी स्पोक अबाउट द प्रीमियर लीग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बुंदेसलीगा इन जर्मनी एंड द डर क्लासिकर, जो एक और बड़ा मैच जिसे कहा जाता है इन द यूरोपियन कैलेंडर, इन द यूरोपियन फिक्स्चर लिस्ट, जो खेला जाता है बिटवीन बोरुसिया डॉर्टमुंड एंड बायर्न म्यूनिक. यूजुअली ये टाइटल डिसाइडर होता है, बट कुछ सालों से नॉट रियली, बिकॉज डॉर्टमुंड यूजुअली एंड अप लूजिंग टू बायर्न म्यूनिक. लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ. ये मैच एक एक गोल से बराबर रहता है. बट इवन दो इट वॉज बीइंग प्लेड एट द बोरुसिया डॉर्टमुंड स्टेडियम, द फेमस इन फ्रंट ऑफ द फेमस येलो वॉल. लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस वन. लीरोय सने एंड स्टिल सने ओ टर्नड अवे टू हाई फॉर टेल Gittens, and Gittens here will light the afterburners for Dortmund. Jamie Gittens! Cacophony! Tell, Musiala, oh great balance, Musiala in! And Thomas Müller, great save, Gregor Kobel. Meanwhile, here, Maxi Bayer on to 5. Mazza Zabitzer and Neuer standing firm in great supply. Zane into the wall. Well, Zane tries again here. It's come to Elise to cross. And the header to level the game. एक एक गोल से मैच बराबर रहता है. एंड नॉट मच ऑफ अ बिग डिफरेंस टू बायर्न म्यूनिख, क्योंकि उनकी काफ़ी लंबी अब लीड आ चुकी है इन द बुंदेसलीगा. एंड लगता है तो आप फिर वो लेके जाएंगे. लेकिन बड़ी बात यह है कि विंसेंट कंपनी इज एट द व्हील राइट नाउ फॉर बायर्न म्यूनिख. एंड अ गुड ड्रॉ फॉर बोरुसिया डॉर्टमुंड, क्योंकि पिछले कई मैचेस जो हैं वो अपने होम पे वो हारे हैं बायर्न म्यूनिख से. जी, हाउ डिड यू एंजॉय दैट डर्ट क्लासिकर and that atmosphere which is created in that stadium? True. I think Vincent Kompany got the team selection completely wrong. I believe Matthias Tell ko unhone start karaya tha. It's his first start in 3 months. And unke saath unhone jo Olise ko start nahi karaya, Coman ko bhi start nahi karaya, Leroy Sané ko start karaya tha. तो और हैरी केन जब इंजर हुए फर्स्ट हाफ के अंदर, उसकी जगह भी बजाय इसके कि वो अपने टैलिस्मैन माइकल ओलीस को लेकर आते जो कि टॉप फॉर्म के अंदर चल रहे हैं, उसकी जगह भी और थॉमस मुलर को लेकर आए. मुलर अगेन यू नो डिडंट रियली कंट्रीब्यूट मच अप टॉप. एंड जब तक उन्होंने वो चेंजेस किए इट वाज जस्ट टू लेट. गिटन्स जो प्लेयर हैं डॉर्टमुंड के, ही scored the first goal for Dortmund. And उसके बाद हमने देखा जमाल मुसियाला, he got the sixth header, जो छठा गोल हेडर से उन्होंने स्कोर किया. मैं मीन फॉर अ स्मॉल मैन इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड अ यंग प्लेयर एज वेल, यंग प्लेयर एक बड़ा बड़ी बात है मेरे हिसाब से ये. लेकिन उस सेकेंड हाफ के अंदर डॉर्टमुंड सैट बैक एंड दे वर लुकिंग टू यू नो कि जस्ट वो होल्ड कर लें बायर्न को, लेकिन वो डेफिनेटली नहीं कर सके बिकॉज बायर्न के पास जो अटैकिंग क्वालिटी है वो इवेंचुअली इट केम थ्रू और दे गॉट द इक्वलाइजर. बिल्कुल सही. चलें जी, इन सारी बातों को रैप अप करने के लिए आपसे कुछ देर पहले सीनियर फुटबॉल राइटर रोनन मर्फी ने हमें ज्वाइन किया था. ही राइट्स for many top class football world publications and right now he's associated with transferfootball.com and Sony Network as well. So we discussed the Premier League and the Bundesliga. Let's listen in to what he had to say.
Hi, Ronan. Thank you so much for making time for us, as always. Hope you've been keeping well. I have been keeping well. How are you? Very well, thank you. Always a pleasure having you with us. So let's start off with the big match of Sunday, Liverpool versus Manchester City. So if I can first speak to you from Manchester City's point of view and perspective, nobody saw this coming, this form of theirs, the amount of losses they've had. I'm seeing Pep Guardiola actually pointing six fingers into the crowd to remind people what him and the team have been able to achieve. How do you assess all of this, and do you see a way of coming back for Pep and Man City? Yeah, I think Pep had his Mourinho moment when Mourinho was talking about how many titles he had won before and showing his fingers. So it's always a bit of a desperate act, isn't it, when the managers have to talk about how much they've won rather than what they're doing at the moment. They're looking to the past, but Pep Guardiola at the moment, you can see why he doesn't want to talk about what he's doing at the moment, because they have been diabolical. And yeah, he really needs to turn things around. I know he signed that new contract recently, but you kind of wonder, is he regretting having signed that new contract? Because this Man City team are wildly inconsistent, or maybe not inconsistent because they keep losing matches. But it's not the same kind of Man City, Pep Guardiola teams that we've come to see before, the kind of steamrolled opposition. They seem very one-dimensional, and perhaps that's down to the fact that they're so reliant on Erling Haaland to score goals. They don't really have anybody else in the squad who's kind of stood up and made a name for themselves. We looked at Phil Foden perhaps in the past to do it, and you would expect him to do more, but he just hasn't really shown up in the Premier League this season. He's been okay in the Champions League, but he hasn't shown up in the Premier League, and you don't have other players as well that maybe you see as contributing 10 or more goals to help ease the burden on Erling Haaland. Last season you would have had Julian Alvarez, and that was a great plan B for Man City, but they sold him in the summer, and now he's actually playing pretty well for Atletico Madrid. He has 11 goals himself already this season in all competitions. So if Man City had those 11 goals, they would probably look a much different team. And it goes without saying that Rodri is a huge absence in the midfield, Kevin De Bruyne as well. So these are two of the best players in the world on their day. So I think Man City, their squad, perhaps isn't as good as Pep Guardiola thought it was. And since his time at Barcelona and his time at Bayern Munich, he's tried to keep these small squads where he didn't have too many players. He kind of relies on the same players over and over again. But I think after all that success, maybe they're burnt out from playing so many matches and being expected to kind of play Pep Guardiola football, because all football is pretty tiring. But you can only imagine how kind of mentally exhausting it is to play the exact way that Pep wants, because you have to be in the right place all the time. And I think this Man City team are maybe a bit burnt out, and I think this season maybe it's already over for them. Mm-hmm. And do you think they've also been struggling defensively as well, given how many goals they've shipped in, and the fact that this Sunday they actually had Edison on the bench and tried another keeper as well? Yeah, I think that's kind of a roll of the dice. We've seen it from Pep Guardiola. We've seen him before in big matches where perhaps he made the wrong decision, and maybe he made the wrong decision here. But as we know, Ederson, although he's obviously a big goalkeeper, he's probably not one of the Premier League's best goalkeepers. He's probably behind a number of goalkeepers in the Premier League. So Pep Guardiola has confidence in Stefan Ortega as a shot stopper, but yeah, I'm not sure he has great confidence in his defence at the moment, because we know Pep likes to play lots of centre-backs, but right back Kyle Walker is a shadow of his former self, and I think some of the players in defence aren't kind of playing at the rate or the level that we're used to seeing for Manchester City, and they are shipping a lot of goals, and maybe that's a confidence issue that they don't have the confidence that they did in the past, that they were this unbeatable team. Because when you lose two or three games in a row and then it turns into even more games in a row, it is hard to be confident, even if you are Manchester City and even if you are kind of the most successful club in England for the past few seasons, the past decade even. Oh, absolutely. And now if we can speak about Liverpool, of course, the team losing with confidence, 11 points between them and Man City, and 9 points between them and second team in the English Premier League. Arne Slot, he's won 18 matches of the 20 so far he's been managing at the club. How do you assess his stint as a manager so far for Liverpool? And there are already talks of maybe Liverpool being the champions this time around. I know there's still plenty of games left in the season, but what is your take overall? Yeah, I think Pep Guardiola himself had said that leagues are won in the last 8 weeks of the season, but they're lost in the first 8 weeks of the season. So there's a long way to go till the end of the season. But looking at it so far, Arne Slot has been wonderful. He's been a kind of a breath of fresh air at Liverpool. And we kind of expected a lot of teething troubles, because
looked impossible to replace Jurgen Klopp. This is kind of one of the biggest figures in world football, and it seemed that they would have a transition period. We obviously seen at Manchester United who perhaps are even still in a transition period from Alex Ferguson, and that he's gone a long time at the club and they've gone through numerous managers. But Arne Slot has come in and made Liverpool his own. He's kind of implemented his own style, and we saw how good a manager he was in the Netherlands, but obviously stepping up to the Premier League and stepping up to a club like Liverpool is going to be a huge challenge. Replacing Jurgen Klopp is going to be a huge challenge. But I think he's a kind of a personal guy. He's charming. We've seen Dutch coaches come to the Premier League and struggle before. Erik ten Hag, I'm looking at you. But yeah, he's a totally different personality. I think he has the right mindset. He fits in well with that Liverpool attitude, the kind of man of the people approach that Jurgen Klopp had before him. So on the pitch, they're doing well, and they are confident in their manager, and he's confident in their players, and he speaks so well to the media and the public and the fans. There's no reason to think that they can't win the league, and they should comfortably be favourites, because all the other teams seem to have problems of their own, and people in the media have pointed to injuries at other teams, but Liverpool have injuries of their own. Their number one goalkeeper has been injured for most of the season, and it doesn't look like there's anybody out. So, yeah, Arne Slot has just been a breath of fresh air at Liverpool, and perhaps they didn't need a breath of fresh air, but yeah, that's what he's provided, and there's no reason to see why they can't win the league and maybe challenge for the Champions League too. But Ronan, thank you so much for joining us. Always a pleasure. And now you can get all the rest you need. Thanks very much. Cheers. Thank you. ये थे रोनन मर्फी सीनियर फुटबॉल राइटर एंड ये डर क्लासिकर देख के वापस आ रहे थे और हमारे लिए टाइम निकाला इनका बहुत शुक्रिया एंड क्विक लिवरपूल एंड द लीग एंड यूरोपियन चैम्पियंस लीग इज वेल यू थिंक दे हैव इट इन द फ्यूल टैंक दिस टाइम अराउंड तो मैं देखें नो क्वेश्चन अबाउट इट लीग में तो मैं उनको देख रहा हूँ कि अभी जिस जो ट्रैजेक्टरी नज़र आ रही है कि दे कैन गो ऑन टू विन द टाइटल फॉर श्योर बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज सिटी ही होता है और सिटी इस वक्त काफ़ी खस्ता हाल कहना नज़र आ रहा है द सेकंड क्लोजेस्ट इज आर्सनल बट आर्सनल इज द नियरली टीम यू नो वो बड़े मोमेंट्स के ऊपर आके थोड़ा फॉल्टर कर जाते हैं तो लिवरपूल हैज़ अ फैंटास्टिक चांस टू विन द प्रीमियर लीग बिकॉज सिर्फ एक चीज़ जो उनको देखनी है कि अभी तक ग्रैवेनबर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल प्लेयर रहे हैं कि और उन्होंने हर मैच स्टार्ट किया लीग के अंदर तो खुदा ना खास्ता अगर उनको कोई इंजरी होती है तो क्या कोई ऐसा उनका नेमल बदल कोई सब्सटीट्यूट है उनके पास कि वो मैनेज कर सके बिकॉज अभी मिड वीक के अंदर भी लीग का फिक्चर है तो ये हर मैच ग्रैवेनबर्ग से ही खिलाना जो है ना स्लॉट को सिर्फ एक ये चीज़ थोड़ी देखने की जरूरत है अदरवाइज द स्क्वाड एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ द स्टाइल ऑफ प्ले सब कुछ बेहतरीन चल रहा है बिल्कुल सही चलें जी एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान की विमेंस टीम का जो स्क्वाड है उसका ऐलान हो गया है 7 दिसंबर पाकिस्तान की टीम जो है दोहा के अंदर एक फ्रेंडली मैच खेलेगी वर्सेस द सऊदी अरेबियन विमेंस फुटबॉल टीम जरा हमारी जो विमेंस टीम है उसके स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं एंड देयर वी गो गोलकीपर्स में इट्स गोना बी निशा अशरफ आरजू एंड जनाब फारूकी फॉरवर्ड्स में जमीना मलिक इज बैक एंड नादिया खान अनमोल हिरा ईमान मुस्तफ़ा इसरा खान डिफेंडर्स में हमारी जो कैप्टन है मारिया खान शी इज़ ऑल्सो बैक एंड द गुड थिंग इज़ कि शी प्लेज हर फुटबॉल इन सऊदी अरेबिया मारिया खान एंड सो उनको काफ़ी अच्छी तरीके से पता होगा अपने अपोनेंट्स के बारे में एंड सोफिया कुरैशी सारा खान विशाल भट्टी अगेन अ वेरी एक्सपीरियंस डिफेंडर मेरिन गोल फातिमा नासर हैज़ बीन देयर फॉर अ वाइल एंड निजालिया सिद्दीकी मिडफील्डर्स में अगेन द प्रो सोहा हिरानी शी इज़ बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम रमीन फरीद अमीना हनीफ एंड सना मेहदी अलॉन्ग विद आलिया सादिक 7 दिसंबर को यह मैच खेला जाएगा दोहा के अंदर लतीफ़ का फेवरेट फुटबॉलिंग नेशन एंड सो विशिंग द आर विमेंस फुटबॉल टीम द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड उससे पहले बिफोर वी गो लेट्स हैव अ लुक एट द ओवरऑल टेबल्स ऑफ द टॉप यूरोपियन लीग्स लेट्स लुक इट अप ऑन आवर स्क्रीन्स लिवरपूल आर ऑन टॉप 35 points 9 points का गैप है बिटवीन देम एंड आर्सेनल एंड चेल्सी जो पॉइंट्स इस वक्त शेयर कर रहे हैं देन यू हैव ब्राइटन देन सिटी देन फॉरेस्ट एंड सिटी का अगला मैच होगा वो फॉरेस्ट के साथ होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच ये होगा कि क्या यहाँ पे जो है सिटी ब्रेक लगा सकती है अपने स्पाइरल पे या यहाँ पे फिर फॉरेस्ट जो उनको टफ टाइम देगा एंड फॉरेस्ट इज नाउ बीइंग लेड बाय नूनो एस्पिरितो सांतोस जो कि पहले रोनाल्डो को मैनेज कर चुके हैं एट अल नसर नहीं वो थे वो उन अल इत्तेहाद के साथ विद बेंजेमा एंड कांटे के साथ एब्सोल्युटली And then you've got Newcastle United in the bottom half, jo number 11 par hai, and Southampton, Ipswich, and Wolves, and Crystal Palace. Crystal Palace deserve to be a little higher, definitely.
एंड लेस्टर सिटी को देखते हैं कि अब वैन निस्टलरॉय किस तरह से आके मैनेज करेंगे. अगर हम ला लीगा पर अगर आ जाएं प्लीज, बार्सिलोना आर लीडिंग बट सिर्फ एक पॉइंट का फर्क है विद रियल हैविंग अ गेम इन हैंड. तो अब वाकई जो है कांटा का मुकाबला शुरू हो गया है यहाँ पे. इवन एथलेटिको इज जस्ट राइट बिहाइंड 32 पॉइंट्स. और जो गोल किया है ग्रीजमैन ने, ओ गोलाज्जो, यस गोलाज्जो एब्सोल्युटली, क्या गोल किया उन्होंने इस वीकेंड के ऊपर. एंड नैपोली जो है लीड कर रहा है विद 32 पॉइंट्स. सिर्फ एक पॉइंट का फर्क था बिटवीन देम एंड अटलांटा, लेकिन इस वीकेंड पे उन्होंने गैप बढ़ा दिया है. एंड अटलांटा, इंटर मिलान, फ्योरेंटिना, लाजियो, चार टीमें 28 पॉइंट्स पे शेयर कर रही हैं. एंड देन यू've got जुवेंटस एंड एसी मिलान इज रियली डाउन द पैकिंग ऑर्डर दिस टाइम अराउंड. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जर्मन बुंडेसलीगा, बायर्न म्यूनिख लीड कर रहा है एंड दे हैव अ 4-point कुशन बिटवीन देम एंड फ्रैंकफर्ट. एंड फ्रैंकफर्ट के एक इजिप्शियन प्लेयर हैं, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम राइट नाउ, लेकिन वो बड़े अच्छे गोल स्कोर कर रहे हैं. आई थिंक इज द हाईएस्ट स्कोरर इन द टॉप 5 लीग्स राइट नाउ इन यूरोप. मारमूश जो है, यस यस मारमूश, बट लेकिन वो फ्रैंकफर्ट में खेल रहे हैं बिल्कुल. यस एग्जैक्टली. देन लेवरकुसन इस दफा वो डिफेंड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे द वे थिंग्स आर गोइंग फॉर देम. एंड देन यू गॉट लाइपज़िग हू ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली इन द पास्ट कपल ऑफ वीक्स एंड देन बोरुसिया डॉर्टमुंड. एंड हमारी ट्रेडिशन है कि हम जरूर कोशिश करते हैं कि यूरोपियन मीडिया किस तरह से अपनी फुटबॉल को कवर कर रहा है वो भी आपके साथ शेयर करें. लेट्स हैव अ लुक एट द न्यू वीकेंड न्यूज़पेपर्स. एंड पहले हम स्टार्ट करेंगे इन स्पेन. एएस, ये अखबार है जो निकलता है कैटलोनियन रीजन से. इनके फ्रंट पेज पे रियल मैड्रिड हैं एंड जो उन्होंने अपना मैच जीता वर्सेस गेटाफे. एंड एम्बापे को दिखा रहे हैं यहाँ पे. दे आर कवरिंग बार्सिलोना, दे लॉस्ट लास पाल्मास एंड एल बार्सा अ त्रियो. डेली एक्सप्रेस स्पोर्ट, इनके फ्रंट पेज पर यू गॉट मो साला एंड पेप गार्डियोला जो छः उंगलियाँ दिखा रहे हैं कि 6 दफ़ा मैंने ये टाइटल जीता है, प्लीज़ मुझे आप तंग ना करें. पेप कॉप्स फ्लैट. या 6 दफ़ा वो हारे हैं पिछले 7 मैचेस के अंदर, ये भी शायद वो कहना चाह रहे थे. ये आपकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है. आई डोंट थिंक पेप ये चाह रहे थे. एंड मार्का के फ्रंट पेज पे यू गॉट एम्बापे एंड रोड्रिगो ऑफकोर्स. मार्का के फ्रंट पेज पर लेवनडॉस्की और वो जो मैच हारे हैं वर्सेस लास पाल्मास. अच्छा मजे की बात है, जब ये जीतते हैं तो मार्का बिल्कुल कवर नहीं करता इनको. एंड मोंडो डेपोर्टिवो के फ्रंट पेज पे जो कैटालोनिया का ही अखबार है द स्पेनिश रीजन, वो अपना दिखा रहे हैं आपको रफीनिया को एंड फरहान एंड 2-1 से ये जो हारे हैं मैच. एंड ला गजेटा डेलो स्पोर्ट, इनके फ्रंट पेज पर यू गॉट एसी मिलान, दे हैव कवर्ड दैट. ये इटली का अखबार है. एंड संडे स्पोर्ट दिखा रहे हैं पेप, आई विल वॉक अलोन, प्लेइंग ऑन अ वर्ड्स विद द लिवरपूल चांट. एंड मिरर स्पोर्ट, पेप 6 एज अ पैरट. एंड सन स्पोर्ट, सैक्ड इन द मॉर्निंग, मे बी दे आर राइट, पेप शो 6 बट रेड्स 9 क्लियर. एंड ये है द संडे टेलीग्राफ, इनके फ्रंट पेज पे भी पेप एट 6 एंड 7. फनी हेडलाइन. And Guardian ke front page pe we've got Liverpool, Mo Salah, not the best part of UK. Ortega hits out Liverpool over Guardiola's sack chance. Sirf 30 miles ka difference hai Liverpool aur Manchester mein, itna difference to hai hi nahi, to kya kyun keh rahe hain ye ki not the best part of UK. Sport in ke front page pe Hansi Flick, the manager of Barcelona, Flick needs solutions, ye keh raha hai Sport. And Star Sport ye bhi cover kar rahe hain Pep Guardiola ko apne front page pe, 6 as a parrot, Pep bites back at sack taunts as Choking City slipped 11 points behind. And Telegraph ke front page pe again, yehi Pep Guardiola, Pep hits out at cop taunts. And these are the newspapers from over the weekend covering all the top action from the European top leagues. And that's our show as well. Thank you very much for being with us. Latif, aapka bahut shukriya. My pleasure. Any predictions for midweek? Manchester United and Arsenal? Yeah, that's the biggest game. And mujhe lag raha hai ki Arsenal ka jo form chal raha hai with Odegaard's return, I think Arsenal will beat Manchester United और थोड़ा अमेरिन ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा उनका तारुफ होगा. नहीं, वो तो बार बार कह ही रहे ना कि बहुत काम बाकी है, स्टाइल हमारा बेहतर होना बहुत जरूरी है. दो विक्ट्रीज जो भी रिसेंटली आई है उससे थोड़ा बहुत एक जो कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला होगा वो आर्सेनल सैप आउट कर देगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है. चलिए, लेट्स होप, लेट्स विश बोथ द टीम्स द वेरी बेस्ट. एंड तमाम टॉप एक्शन आप देखेंगे आपके फेवरेट स्पोर्ट्स चैनल पीटीवी स्पोर्ट्स पे, शोइंग यू प्रीमियर लीग लाइव एंड एक्सक्लूसिव. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. फॉर नाउ इट्स गुड नाइट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ किक ऑफ. अपना बड़ा ख्याल रखें. टिल वी मीट अगेन, अल्लाह हाफिज़.